उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने चोरी के दो पहिया वाहन बरामद किए हैं, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए जनपद के SSP ने वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम का गठन किया था। वही टीम ने कार्रवाई करते हुए आज एक चोर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 चोरी के वाहन सहित एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी एक शादी चोर है, जो कि शादी विवाह के मंडप के बाहर से वाहन चोरी करते थे और चोरी के वाहनों को छिपाने के लिए साइकिल स्टैंड और पार्किंग का सहारा लेते थे। ये आज चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर पकड़ा गया, सचिन नाम का। ये क्या करता था कि अपने साथी के साथ, जिसके साथी फरार हो गया, मौके से मिला नहीं, पूछताछ में तो अभी केवल 3 बाइक बरामद हुई है, 2 हमारे ही क्षेत्र की हैं और एक तीन हमारे यहाँ की और एक बाहर। परंतु इसने जो मोडस ऑपरेंडी बताया, इसने कहा कि जो शादी ब्याह के मंडप होते हैं वहां से ये बाइक उठाते थे, किसी स्टैंड पर ले जाकर के खड़ी कर देते थे। जब तक इनकी अपनी ग्राहकों से कोई बातचीत ना हो जाए, पुलिस शांत ना हो जाए चेकिंग के दौरान, तब तक ये बाइक स्टैंड पर पड़ी रहती थी। थोड़े दिनों बाद स्टैंड से निकाल करके अपने जो भी ग्राहक इनके होते हैं उनको बेचा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट।